ओके सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एंड्रॉइड टेक चैनल पर। और आज की इस वीडियो में यार काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ आई है। मैंने आप सभी को बताया था कि सैमसंग का जो गैलेक्सी A50 है उसके लिए सैमसंग ने ऑफिशियली जो One UI 2.5 का अपडेट है वो इंडिया के अंदर रिलीज़ कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम One UI 2.5 को ही इंस्टॉल करेंगे अपने गैलेक्सी A50 के अंदर एंड देखेंगे कि हमें क्या कुछ इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर आप देखोगे जो सैमसंग का गैलेक्सी A50 है, यहाँ पर One UI 2.5 का जो पूरा डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर मेंशन है। एंड यहाँ पर मेरे को सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ मेरे को यह लगी कि भाई देखोगे आप कि प्रो वीडियो यहाँ पर बताया गया है कि प्रो वीडियो को जो फंक्शन है कैमरा के अंदर एनहांस कर दिया गया है। एंड बेसिकली यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके का प्रो वीडियो मोड होगा। वेल यहाँ पर हम इस डिवाइस को अपडेट करेंगे, देखेंगे मतलब क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं है। तो सारी चीज़ें और सारे राज ऊपर से पर्दा हटने वाला है, तो देखते रहिएगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बने हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना। एंड यहाँ पर हम करते हैं इस अपडेट को जल्दी से इंस्टॉल। सो जल्दी से करते हैं इसको इंस्टॉल एंड देयर वी गो। यहाँ पर टाइम की बात की जाए तो टाइम है जी 4:11, देखते हैं एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है, क्योंकि 1202 MB के आसपास की हमें अपडेट फाइल यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल अपडेट्स। एंड यहाँ पर आई गेस जो मेजर OS अपडेट आते हैं ना वो भी 1.1 GB या 1 GB के आसपास के होते हैं इन डिवाइसेस में, बट ये जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी फाइल है। एंड मैं आपको बता दूँ कि जब आप इस अपडेट को अपने डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करेंगे तो फिर आपका जो डाटा है वो कम्प्लीटली सेफ है, वो कहीं नहीं जाने वाला, वो एग्जैक्टली ऐसा कैसा ही रहेगा। बस आपके डिवाइस में जो ये अपडेट इंस्टॉल हो जाएगा। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस अपडेट्स में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स बताई गई हैं, लाइक यहाँ पर परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग इश्यूज़ बताए जा रहे थे, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स बताई जा रही थी, तो वो भी हम टेस्ट करेंगे एंड वो अगली वीडियो के अंदर ही बता पाऊँगा। बिकॉज़ फ़िलहाल एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ इंप्रूव की गई है पूरी टेस्टिंग नहीं कर पाऊँगा, और मुझे ये वीडियो जल्दी पोस्ट करनी बिकॉज मेरे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है। काफ़ी टाइम से जो है ये इस लोग इस अपडेट का इंतजार कर रहे थे, तो मैं अली वीडियो डालूँगा। इसके बाद में जो दूसरी वीडियो आएगी वहाँ पर मैं जो है जो भी इसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल जल्दी से अपडेट को इंस्टॉल कर लेते हैं एंड उसके बाद में देखते हैं कि हमें क्या कुछ जो है नया इस अपडेट के अंदर देखने को मिलता है। सो फाइनली यहाँ पर जो हमारा डिवाइस है वो अपडेट हो चुका है One UI 2.5 में। सबसे पहले चीज़, कोई भी हीटिंग का कोई निशान नहीं है, हल्का फुल्का मामूली सा को देना हल्का हल्का सा निवास हो रहा है तो वो हो रहा है। वेल यहाँ पर जो टाइम है वो 4:31 हो चुके, तो ऑलमोस्ट 20 मिनट के अंदर ये जो अपडेट इंस्टॉल हुआ है, 20-21 मिनट के अंदर आई गेस, क्योंकि अभी जस्ट नाउ 32 हुए हैं तो ये हल्का फुल्का गर्म हुआ है। एंड 21 मिनट के अंदर ये इंस्टॉल हुआ है अपडेट। एंड यहाँ पर अभी ऑप्टिमाइजेशन चल रही है एज यू कैन सी हेयर,
एंड यहाँ पर हम बात करें, ओके अभी थोड़ा सा लोड हो रहा है डिवाइस, एज यू कैन सी अटक गया है, क्या हुआ है, ओके तो इसे फिनिश होने देते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम जाते हैं सेटिंग्स में, मेरे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा यार देखने के लिए, तो ये वन यू आई 2.5 की सेटिंग्स है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। अबाउट डिवाइस में जाकर के हम चेक करेंगे एंड हियर वी आर, वन यू आई 2.5 ऑफिशियली सैमसंग के गैलेक्सी A50 के अंदर यहाँ पर आ चुका है। ये सैमसंग का A50 का बिल्ड नंबर भी आप देख सकते हैं, मैं आपको बिल्ड नंबर भी दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पर जो सिक्योरिटी पहले वाले वो दिसंबर 2020 का कर दिया गया है, जो कि लेटेस्ट है। एंड सबसे पहले चीज़ भाई, यहाँ पर कैमरा के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ था कि उन्होंने प्रो वीडियो वगैरह डाला है, तो सबसे पहले यार उसको चेकआउट कर लेते हैं। ओके भाई कर दो जो आपको करना है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले यहाँ पर कुछ नया बता रहा है, ओके 25 मेगापिक्सल का यहाँ पर नया है ये ऑप्शन, आई डोंट नो बट मेरे ख्याल से पहले भी था। तो मोर पे अगर जाते हैं तो यहाँ पर डॉट तो बना हुआ था बट मुझे कुछ ऐसा नया देखने को नहीं मिला, ना ही तो प्रो वीडियो है। और अगर हम प्रो मोड में भी जाते तो फिर तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं यार। किस महान आदमी ने कहा है कि ये हमें ये प्रो मोड है, मतलब क्या ही कहने। वेल बैक करते हैं एंड लाइफ फोकस, ओके सेटिंग्स चेक करते हैं यार, हो सकता है कुछ सेटिंग्स में चेंजेस कर रहे हो सैमसंग ने। हालांकि 4K के वीडियो रिकॉर्डिंग तो मुझे नहीं चाहिए, बट 60fps वीडियो मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। फ्रंट रियर वीडियो साइज़ 30fps लिख तो रखा है, ओके सिर्फ दो ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इसके अलावा फुल है एंड 1x1 का है, जो कि आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर वाटरमार्क सेटिंग मेथड्स, ये सब आई गेस वही पुरानी सेटिंग्स है। सेल्फी एंगल फिल्टर्स, ओके तो फिल्टर्स यहाँ पर आ गया है, बिकॉज पहले यहाँ पर आई थिंक फिल्टर्स नहीं थे। देखता हूँ किधर हैं फिल्टर्स, मोर एंड यही चार ऑप्शन देखने को मिले थे। फिल्टर्स का ऑप्शन कहाँ से मिलेगा मुझे A51 के अंदर देखने को देखना पड़ेगा, बिकॉज अभी मेरे पास वो नहीं है, कवर्ड में रखा हुआ है, तो देख कर चेक करना पड़ेगा कि उसके अंदर फिल्टर्स किस तरीके से अप्लाई होते हैं। तो मैं कैमरा को पूरी तरीके से चेक करूँगा। ओके तो फिल्टर्स यही है, यहाँ पर हम अपना खुद का कस्टम फिल्टर नहीं बना सकते, डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर फेस, ये क्या है मेरे को नहीं पता, ऑटो, ओके ये ब्यूटी मोड है। तो ऐसा कुछ खास मुझे नया देखने को नहीं मिला, इन्होंने जो प्रो वीडियो डाला हुआ था। हालांकि मैं यहाँ पर आपको एक बार और फिर दिखाता हूँ, अपडेट का डिस्क्रिप्शन अभी तक नहीं आया, देर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस अपडेट, अभी थोड़ा सा टाइम लेकर के आ जाएगी इन्फॉर्मेशन, अभी फिनिशिंग चल रही है। यहाँ पर जाते हैं हम इसके जो नए फीचर्स हैं डार्क मोड वगैरह के अंदर, ओके तो डार्क मोड हमें यहाँ पर ही देखने को मिल जाता है बाहर की तरफ, जो कि पहले नहीं था। एंड यहाँ पर जो एनिमेशन है वो भी आप देखोगे कितना स्मूथ कर दिया यार, ये जो चीज़ है ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगती है, जो इसका एनिमेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ कर दिया गया है। ये जो है यहाँ पर चार्जिंग इन्फॉर्मेशन, एंड सबसे पहले यहाँ पर जो वाइब्रेशन हैप्टिक फीडबैक था ना, वो देखते हैं कि वो आया है या नहीं आया है। साउंड्स एंड वाइब्रेशन में सिस्टम साउंड, ओके सिस्टम साउंड्स यहाँ पर नहीं दिए हैं, आई वुड से दैट नो है यहाँ पर, ये रहे मैं इसे फुल कर देता हूँ। यहाँ पर ये कम्प्लीटली सिस्टम साउंड जो है चेंज करेगा, ओके ओके तो भाई यहाँ पर काफ़ी गंदा जो है बग्स है। एंड मैंने यहाँ पर इसको टेस्ट करा, यहाँ पर आप देखोगे जो सिस्टम साउंड्स हैं, एक तो यहाँ पर ज़्यादा फंक्शन दिए नहीं है हैप्टिक फीडबैक का, यहाँ पर हमें फंक्शन पता नहीं देखने को मिलता है, नहीं मिलता है वो मुझे A51 से साइड बाय साइड कंपेयर करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि मैंने इन सभी को डिसेबल कर दिया था, ये ऑटोमेटिकली इनेबल हो रहे हैं, और इनेबल होने के बाद में भी यहाँ पर मतलब भाई कोई साउंड इफेक्ट नहीं आ रहा। देखो टच इंटरेक्शन का मैंने साउंड इफेक्ट ऑन कर दिया है, डायलिंग का, चार्जिंग का, सभी चीज़ का ऑन कर दिया, ओके सडनली जो साउंड्स है वो आने लगे ऑटोमेटिकली। यहाँ पर आप देखोगे, मैं आपको सुनाता हूँ,
तो जो साउंड इफेक्ट है वो आने लगा, जो कि अच्छी बात है, मतलब आने लग गया, पहले नहीं आ रहा था। वेल, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो साउंड इफेक्ट से आप उसको कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं, जो गैलेक्सी है, ये रहा, ये वाला जो चार्जिंग का इफेक्ट है, तो आप इससे इसको चेंज कर सकते हैं, इसमें और इसमें। इतना ही नहीं, यहाँ पर आप जो सिस्टम साउंड चेंज करेंगे उससे आपका कीबोर्ड का भी एंड चार्जिंग का भी एंड जो साउंड है, टच इंट्रैक्शन है, सभी साउंड चेंज हो जाएंगे। लाइक दिस, जो टच इंट्रैक्शन है वो भी चेंज हो गया है। ओके, हाँ, ये रहा, ये डिफरेंट हो गया है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पर सैमसंग का जो खुद के स्टॉक एप्लीकेशन, लाइक ये देखोगा आप, ये भी साउंड चेंज हो गया है। तो ओवरऑल जितने भी सिस्टम साउंड है वो चेंज हो गए, बट यहाँ पर कभी कभी काम नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पर बग्स है, आई डोंट नो समहाउ, ये कभी काम कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, कुछ इस तरीके के प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वैली, यहाँ पर मैंने अभी इसको कम्प्लीटली टेस्ट नहीं करा है, वीडियो मेरे को जल्दी पोस्ट करना है, इसलिए मैं सारे फीचर्स टेस्ट करने के बाद में एक बार आपको और बताऊँगा। स्मार्ट अलर्ट, ओके, तो पुराना फंक्शन है। एंड यहाँ पर जो हमारा वाइब्रेशन का था वो आई थिंक यही होना चाहिए, बट यहाँ पर नहीं है। साउंड्स, नोटिफिकेशन साउंड्स एंड सेपरेट ऐप ऑडियो, साउंड क्वालिटी, वाइब्रेशन, एप्टिक फीडबैक नहीं है, सिर्फ वाइब्रेशन पैटर्न यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जो कि पहले भी था। तो यहाँ पर सैमसंग ने जो हैप्टिक फीडबैक का फंक्शन है वो यहाँ पर नहीं दिया है। बात करें कीबोर्ड की, तो वो भी यहाँ पर अपडेट हो चुका है, आई गेस। हाँ, यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी स्मूथ एनिमेशन आ रहा है। लेट मी जस्ट जूम इन एंड शो यू। यहाँ पर सारे ये जो टॉगल्स नए वाले आ चुके हैं, देखो आपने कितना स्मूथ एनिमेशन आ रहा है, वो काफ़ी बढ़िया लगता है। जैसे मैं हैप्पी लिखना चाहता हूँ तो देखोगे हैप्पी आ गया। न्यू जो एनिमेशन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है यार, स्मूथ कर दिया पहले के कंपैरिजन में। इसको हम स्प्लिट भी कर सकते हैं, मैंने कम्प्लीटली इसका भी इन डेप्थ रिव्यू किया हुआ है, मैं इसके भी सेटिंग्स को चेकआउट करूँगा, इसके बारे में भी आपको बताऊँगा। फिलहाल की वीडियो में यही था, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो चलती है लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट। एक बात और, जाने से पहले बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं, दो तीन वीडियोज़ तो आएंगी। एक एक फीचर को मैं टेस्ट करूँगा, परफॉर्मेंस टेस्ट करूँगा, बैटरी टेस्ट करूँगा, सारी चीज़ें टेस्टिंग करके बाद मैं आपको वीडियोज़ में बताऊँगा अपनी। तो मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के अंदर। साइनिंग आउट।